बातों का। और नंबर एक बात, और हमारे से पहले हमारे बड़े भाई हरियाणा के सुपरस्टार कलाकार श्री नरेंद्र दांगी जी, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छा गाना गाया। और भाई वे तो महादंगली कलाकार हैं, लेकिन देखे कोशिश भी हम भी थोड़ा सा आपके सहयोग प्यार प्रेम मिलता है। हमारी बात किस समय की कि संजनो, जिस समय वो विक्रम स्कूल से घर वापिस आया और आके महल में उस शेष को भाभी पिंगला के साथ चुम्बन सार खेलते हुए देखा, तो न्यू कह लाग गया, भाभी ये जो मानस तेरे साथ महल में चुम्बन सार खेला था ये कौन था? न्यू बोली, रे विक्रम, अरे तू बालक से मने गोद खिलाया है, तू मेरे से सवाल करता है कि भाभी ये तो बताना पड़ेगा, अगर आप नहीं बताओगे कोई बात नहीं, मैं ये सब बात जाकर अपने भाई भरतरी को बताऊंगा। जब भरतरी का जिक्रा सुना तो एकदम से पसीना आ गया और न्यू सोचने लग गया, अगर इसने ये बात महाराज भरतरी को बता दी तो तेरी जान की खैर नहीं, उसको लाड प्यार करती है बढ़ोती है कि देवर, अरे देवर देवर भाभी की तो इसी हंसी मजाक में बात हो जाए, अगर तू गिल्ला मान गया कि ना भाभी ये तो बताना पड़ेगा। विक्रम को सख्त देख के वो पिंगला रानी विचार करती है कि इसका इंतजाम करना पड़ेगा, न्यू काम नहीं चल रहा। वो एक बंदी को बुला के कहा के जाओ उस नगर सेठ को बुला करके ले आओ, क्योंकि नगर सेठ एक ऐसा आदमी था जिस पर महाराज भरतरी बड़ा विश्वास करा करते। अब नगर सेठ जब आया आके के महारानी प्रणाम बताओ, इस टाइम ऐसे कैसे याद किया कि सेठ जी के हाँ आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत है। क्या? कि आपको महाराज भरतरी के सामने विक्रम के खिलाफ झूठी गवाही देनी होगी। हाथ जोड़ कर खड़ा होगा कि महारानी ऐसा काम मत ना करवावे, विक्रम बहुत अच्छा लड़का है। बोली कि अगर या तो तैयार हो जा और ना तो तेरा जन बच्चा कोल्लू में पिलवा दूंगी। डरा के धमका के उसको गवाही के लिए तैयार करती है। इधर जब महलों में महाराज भरतरी के पास पहुंची तन्यू के लागी के महाराज आज नगर सेठ महलों में आया था, उसने विक्रम के बारे में बेरानी के कह दी। विक्रम भरतरी को न्यू कह लाग गया के भाई भरतरी, अरे ऐसी कोई बात नहीं जो तेरी रानी पिंगला कह रही है। न्यू बोला के ना भाई, वो भरतरी पिंगला रानी को समझाता है कि रानी मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, कैसा मेरा भाई उनमें गिनती होती है, कैसा प्रमाण देने लग गया, क्या बता दिया भला। मेरी विश्वकर्मा ते घाट परी ओ मेरा विक्रम से पहले कहते देवर भाभी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन आज अचानक ईशा दोष लावे है। अरे देवर भाभी लड़ा करे रही लड़ाई को
भाई मदन मलिक स्टूडियो जो कि आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मदन मलिक स्टूडियो बड़ौत यूपी, तो 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। तब करे खरा तेरे हाथ में दे रखी मनराज पान की चाबी, बब्बी के दे देवर यो चले रे देवर के दे भाभी, लाड करे छाती के लाले लाड करे छाती के लाले, ओ तुई सी लुगाई को बाबा दर्शनगिरी महाराज जी 100 रुपये से और अपने बच्चों का मान सम्मान करते हैं। बाबा जी को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री फूल सिंह जी मुरलाना से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई राजवीर 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। भाई मुकेश प्रधान जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सावड़ से 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और हमारे दो छोटे छोटे बच्चे कई बार उन्होंने मान सम्मान किया, उनको भी हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, धन्यवाद।
हमारे बाबा महंत दर्शन गिरी महाराज जी शोर में से और अपने बच्चों का मान सम्मान करते हैं। बाबा जी को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। छोड़ मरी थी वो माँ पालम दे मेरी मीठी बोले पांच वाले मीठी बोले पांच वाले तेरे याद सफाई को विक्रम ऐसा नहीं है, प्रमाण देने लग गया गिनती करी विक्रम की नु के लाग गया कैसा है मेरा भाई के बता दिया आखिर में बोला शीर हुया करती बलबत्तर रुकमन खेले होली जमुना के तीर हुया करती भीम सेन और द्रौपदी की वो कच्ची खीर हुया करती न्यूते मैं भी जान गया न्यूते मैं जान गया मेरे कर्म भलाई को सिंह जी यहाँ के लड़के रामकरण जी हेलो हेलो राम शरण जी हेलो और राम जस भाई 1,01,000 रुपए से गौशाला में दिए मुरलाना गौशाला में समतान पाना है इंद्र सिंह लठवाल हर साल इनका दान आता रहा और मारे चाचा गुजर गए बच्चों ने उस लाइन को ऐसे ही रखते हुए एक मिनटी बार बार धन्यवाद करते और ये जो काट कर उसका थोड़ा काट के भी ला सके है इतना कड़ा कमाऊ छोड़ा है मैं रमेश जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी गौशाला के बारे में सोच रखी धन्यवाद। भाई एक आधा और आ जाओ जो भाई कमेटी के बीच में बैठे हैं